गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर, और उसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि किस तरह हम IUPAC नेम को आसानी से लिख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो IUPAC नेम में हमने यहाँ पर एक, देखो आपके सामने एक फॉर्मेट कंपाउंड आपको दिख रहा है, और वो है K4FeCN6, K4FeCN6। तो अब इसका मैं फॉर्मेट बता रहा हूं लिखने का, इसको हमने ए मान लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स में ये ए है। अगर ए है तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम देखेंगे लिगेंड कितने हैं। तो एक्स लिगेंड और वाई लिगेंड, इस लाइन का मीन्स है कि अगर उसमें दो टाइप के लिगेंड हुए तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका ABCD में नाम पहले आएगा उसके नाम को पहले लिखेंगे, नंबर को नहीं देखेंगे। जैसे एमाइन और क्लोरो, तो एमाइन पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। अगर एमाइन और एक्वा दोनों हैं तो हम देख लेंगे ए तो कॉमन है, और एम और क्यू में से कौन पहले आएगा, वही है एक्स लिगेंड वाई लिगेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम इसमें ये है, बाहर वाले मेटल भी हो तो वो ए ही माना जाएगा, और फिर सब बाद में इस की ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें, और उसके बाद में बी का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ Cl3 होता, Cl2 होता तो हम उसको बी मान लेते, दोनों कभी नहीं होंगे, ए और बी साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये अभी मैंने यहाँ से ये हटा दिया है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। ये IUPAC नेम को लिखने का फॉर्मेट है, ठीक है। अब कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 लगाते, मतलब अगर इस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर 8 लगाते। अब नेगेटिव चार्ज देखने के लिए भी कुछ रूल है, तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। अगर कॉम्प्लेक्स में ये हो ए तो एनायन होगा ही होगा, या यहां पर नेगेटिव चार्ज दिया हो तो आप समझ ही जाओगे कि ये एनायन कॉम्प्लेक्स है। तो या तो ए प्रेजेंट हो या फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो हम उसको एनायन कॉम्प्लेक्स मान लेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम के नेम में, सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 लगा दें। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अगर आयरन हुआ तो फेरेट होगा, जिंक हुआ तो जिंकेट होगा, और कॉपर हुआ तो कोबाल्ट क्यूप्रेट होगा, और कोबाल्ट हुआ तो कोबाल्टेट होगा। तो बताओ अगर निकेल हुआ तो क्या होगा, अगर निकेल हुआ तो निकलेट होगा, ठीक है, और क्रोमियम हुआ तो क्रोमेट होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं इससे आगे, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर नेगेटिव लिगेंड हुआ तो, अगर नेगेटिव लिगेंड हुआ तो फिर उसका जो नेम है वो ओ के साथ फिनिश होगा या फिर इडो के साथ फिनिश होगा। तो जैसे हमारे पास क्लोरो है, क्लोरो क्लोरो का मतलब Cl, तो हम उसको कहेंगे क्लोरिडो। अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिडो, और आयोडीन हुआ तो आईडिडो बोलेंगे, और एफ हुआ तो फ्लोरिडो। अगर ऑक्सलेट हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑक्सलेट को या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, और इसका नाम ऑक्सलेट से चेंज होकर ऑक्सलेटो हो जाएगा। अगर SO4 हुआ तो इसका नाम सल्फेटो हो जाएगा, और अगर H2O3 हुआ तो इसका नाम थायोसल्फेटो हो जाएगा, अगर CN- हुआ तो साइनो हो जाएगा, अगर SO2- हुआ तो सल्फाइडो हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है ना, और वो इंपॉर्टेंट नेम क्या है, ओ एंड।
और NO2। आजकल मोस्टली प्रॉब्लम इसके बेस आ रही, अगर ये NO2 O के थ्रू अटैच होगा तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो O, और अगर ये N के थ्रू अटैच होगा तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो N। क्लियर है? अगर हमारा CN हुआ तो साइनाइडो होगा, अगर हमारा O2 माइनस टू हुआ तो ऑक्सो होगा, अगर O2 माइनस टू हुआ तो ये हाइड्रो परोक्सो होगा। क्लियर है? हम चलते हैं कुछ नए नेम्स की तरफ। अगर H माइनस हुआ तो इसको हम हाइड्राइडो बोलेंगे, अगर NH2 माइनस हुआ तो एमिडो बोलेंगे, और अगर NH-2 हुआ तो एमिडो बोलेंगे, और P-3 हुआ तो फॉस्फिडो बोलेंगे। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर सीखना है कि अगर नेगेटिव लिगेंड हुआ तो O होगा या एडो होगा। कॉम्पिटिटिव वालों के ऑलरेडी उसमें लगा हुआ होगा और 12th वालों को याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने का रूल है, रूल्स याद करो और अप्लाई करो। यहां रटने से, किसी एक पार्ट को रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई एक पार्ट नहीं आता है। यहां पर जो हमने रूल सीखे हैं उसको अप्लाई करना आता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। हम चलेंगे इसके बाद में कि अगर पॉजिटिव लिगेंड हुआ तो क्या करेंगे। अगर पॉजिटिव लिगेंड हुआ तो लिगेंड का नेम ईएम के साथ खत्म हो, जैसे NO+, नाइट्रोसोनियम। पर ध्यान रखना ये न्यूट्रल भी होता है, तो ध्यान से इसकी प्रॉब्लम को करना पड़ता है। इसको हम हाइड्रोजीन कहते हैं, NH2 NH2। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोजीनियम। ये आप ऐड कर लें एक और, ठीक है? तो NO को नाइट्रोसोनियम और NH2 NH2 ने पॉजिटिव को कहेंगे हाइड्रोजीनियम। अब आया तीसरा पार्ट कि अगर न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो। न्यूट्रल लिगेंड की कोई भी स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती और सबके नेम अलग अलग होते हैं। तो पहला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर CO, CO को हम कहेंगे कार्बोनिल। सेकेंड है H2O, H2O को कहेंगे एक्वा, और NH3 को कहेंगे अमाइन। यहां पर इसका जब नेम लिखेंगे तो डबल M आना चाहिए, जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो सिंगल M आता है, और अगर आप हिंदी में देखते हैं तो ऐसे आधा माल बनता है, और जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ये आधा माल खत्म हो जाएगा। ईएन का नाम है इथाइलिन डायमीन, पर आजकल इथाइलिन डायमीन की बजाय 1,2-डाइअमीनो, 1,2-डाइअमीनो इथेन कॉमन नेम चल रहा है आजकल। इथाइलिन डायमीन की बजाय 1,2-डाइअमीनो इथेन कॉमनली यूज हो रहा है। PY को हम कहेंगे पिरिडीन, और PH3 को कहेंगे फॉस्फीन। और दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा ये PH3, C6H5 थ्राइस P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और अगर भैया NO हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नाइट्रोसोनियम, और अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो हम इसको कहेंगे नाइट्रोसिल। क्लियर? ये सब रूल्स याद रखने पड़ेंगे अगर IUPC नेम आप करना चाहते हैं तो। अब हमारा अगला रूल आया, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड में 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। अब बच्चा कहेगा यहां पर हमने बाई क्यों नहीं यूज किया,
तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखकर समझाता हूं कि हमने यहाँ पर बाई क्यों नहीं यूज किया। हमने एजी के साथ में ये मिथाइल अमीन को ऐड कर, अब अगर हम इसको डाई मिथाइल अमीन लिख दें, क्योंकि डाई तो टू के लिए और CH3NH2 का नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करेंगे तो डाई मिथाइल अमीन इस अमाइन का फॉर्मूला है जो सेकेंडरी अमाइन है। इसलिए हम यहां पर पढ़ते समय अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हुआ या ऐसा कोई लिगेंड हुआ जिसमें डाई लगाने से उसके नेम में फर्क आ रहा है तो डाई नहीं लगाएंगे, बिस लगाएंगे। अगर दो हुआ तो बिस, तीन हुआ तो ट्रिस, चार हुआ टेट्राकिस, पांच हुआ पेंटाकिस और छह हुआ तो हेक्साकिस। ठीक है ना, आपको डाई बिस से ज्यादा या ट्रिस से ज्यादा का मौका नहीं मिलेगा, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ रूल पढ़ने ही पढ़ने के। अब लास्ट रूल, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही अप्लाइड होंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई भी रूल अप्लाइड नहीं होगा। K4 की नंबर नहीं लिखी जाएगी और कोई EM वगैरह नहीं लगेगा। CL की नंबर नहीं लिखी जाएगी और ना कोई O के साथ खत्म होगा, जो नॉर्मल नेम है उसी का इस्तेमाल होगा, कोई इडो नहीं, कोई कुछ नहीं। क्लियर? तो हम यहाँ पर वापस से रूल्स को रिकैप करते हैं। नंबर वन, अगर A हुआ और ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो 8 आएगा। रूल नंबर सेकंड, नेगेटिव लिगेंड्स का नेम इडो या ओ के साथ फिनिश होगा, जिसमें आपको दो स्पेसिफिक याद होने ही चाहिए कि नाइट्रो NO2 हो तो नाइट्राइटो N, और अगर NO2 ओ के थ्रू अटैच्ड हो तो नाइट्राइटो O। रूल नंबर थ्री, पॉजिटिव लिगेंड का नाम EM के साथ खत्म होगा, NO प्लस का नाम नाइट्रोसो नियम हो जाएगा और NH2 का नाम हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। रूल नंबर फोर, न्यूट्रल लिगेंड्स की कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती, सबके नेम अलग अलग होते हैं। और रूल नंबर नेक्स्ट कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी रूल अप्लाइड नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमने रूल्स का रिकैप कर लिया है और अब हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट नोमेनक्लेचर है K4FeCN6। देखो, सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे। अब क्योंकि इसको हमने A माना हुआ है, अगर A होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 अप्लाइड होता है, तो यहां आप आगे लिख सकते हैं 8 आएगा पोटेशियम। उसके बाद हमने लिगेंड को देखा, सारे लिगेंड एक जैसे हैं और इस लिगेंड की नंबर 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्सा और साइनो पैरेट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 और ये सारे जॉइनिंग हैंड से लिखे जाते हैं। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में जो भी है सब जॉइनिंग हैंड से लिखे जाएंगे। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहां पर K3 लगा दी, तो A एज इट इज आ गया पोटेशियम, हेक्सा साइनो एज इट इज आ गया, फेरेट आएगा क्योंकि A प्रेजेंट है, सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 की बजाय 3 हो जाएगी, तो हम रोमन नंबर में 3 लाइंस को लगा दें। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लिए और अब हम चल रहे हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल है हमारा कोबाल्ट NH3 6 और प्लस 3, क्या इसमें 8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ना तो A है और ना ही ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज, लिगेंड सारे एक जैसे हैं, तो हेक्सा अमाइन।
हेक्सामाइन कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट है और उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहां पर आयन लगा। क्लियर? तो हम थर्ड एग्जाम्पल के बाद में देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको ऐसे लिखा जाए। इसमें 8 आएगा क्योंकि ये ए प्रेजेंट है। तो सबसे पहले नेम लिखा जाएगा लिथियम का, लिथियम, फिर टेट्रा हाइड्राइडो, एच माइनस का नेम हाइड्राइडो होता है, और फिर एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो आगे लिख लेना कि 8 आएगा या नहीं आएगा। दो तीन बार आप लिखोगे तो आपके नॉर्मल यूज में आ जाएगा कि 8 कब आता है और कब नहीं आता। अब हम देखेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा NaCN4 और -2। तो क्या 8 आएगा? हाँ आएगा। अब आपको भी पता लगने लगा है कि 8 आएगा या नहीं आएगा। तो 8 क्यों आया है? क्योंकि -4, ए है नहीं यहां पर, तो लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड हो जाएगा टेट्रा साइनो। देखो गलती छूट गई, कॉम्पिटिटिव में आपको लिखना नहीं है, ये ज्वाइनिंग हैंड से लिखे जाते हैं। तो टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट 2, और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो तो हम आयन लिखना नहीं भूलेंगे। क्लियर? हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिक्स्थ एग्जाम्पल, जो है हमारा एस। क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना तो ए है और ना ही ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो एनायन कॉम्प्लेक्स देखने का मैंने आपको इजी मेथड बताया है, क्योंकि अगर आप एनायन याद करोगे तो आपको बार बार 8 अप्लाइड करना पड़ेगा कि एनायन है कि नहीं, पर ये देखते ही आपको पता लग जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज हुआ तो वैसे ही पता लग जाएगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो ये देखते ही पता लग जाएगा कि एनायन है। तो हमने इसका नेम लिखा एक्सा एक्वा। क्यूप्रेट आएगा या कॉपर? यहां आएगा कॉपर। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 2। सीएल की नंबर नहीं आएगी, सिर्फ क्लोराइड लिखा जाए। हम चलेंगे अब सेवेंथ एग्जाम्पल की तरफ। सेवेंथ एग्जाम्पल में सारे ही लिगेंड अलग अलग। तो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिख लिया पीटी, ठीक है ना। पीटी के साथ में हम देख सकते हैं पहला लिगेंड हमारा कौन है। पहला लिगेंड है अमोनिया। अमोनिया के बाद में दूसरा लिगेंड सीएल, फिर बीआर, फिर सीएल, और ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देखते ही हमको पता लग गया कि 8 आएगा। इसका नाम एमाइन से शुरू होगा तो डबल एम एमाइन हो गया, फिर ब्रोमिडो, फिर क्लोरिडो और साइनो में कौन पहले आएगा? क्लोरिडो पहले आएगा, फिर प्लेटिनेट। 8 इसलिए आया क्योंकि एनायन कॉम्प्लेक्स, और ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? एक्स प्लेटिनियम की, इसकी 0, क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1, सीएन की -1 इज इक्वल टू -1। तो प्लेटिनियम के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 2। तो ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर? ध्यान से देख लो फिर से। ए है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, 8 आएगा। सबसे पहले एमाइन लिखा क्योंकि ये अल्फाबेटिकल पहले आएगा,
फिर ब्रोमिडो, फिर क्लोरिडो, फिर साइनो, फिर प्लेटिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल हमें देख रहा होगा ये है C5H5 twice, ठीक है, और ब्रैकेट पर चार्ज है +2। +2 चार्ज देखकर पता लग गया 8 नहीं आएगा, ये फेरोसिन है, इसमें पाई बॉन्डिंग मिलती है। तो अब ये कितना है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो हमने ऑर्गेनिक लिगेंड 2 है तो 20 लिख दिया। C5H5 का मतलब हो गया साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है। कुछ लोगों को ये पेंटेन लग सकता है, पर पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन में ऑलमोस्ट हाइड्रोजन डबल के बराबर होते हैं, मतलब 5 कार्बन है तो डेफिनेट 10 के आसपास हाइड्रोजन होंगे। जब भी कभी कार्बन के बराबर हाइड्रोजन हो तो समझ जाओ रिंग आ रही है। आयरन का नाम लिख दिया, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा एक एजी का कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 20 आएगा ही आएगा, ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो 8 नहीं आएगा, 20 मिथाइल अमाइन। सिल्वर फर्स्ट, अगर यहां पर 8 आता तो फिर सिल्वर नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा अर्जेंटेट, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं 10th एग्जाम्पल की। अब आपको शायद चीजें समझ आने लगी होंगी, 8 नहीं आएगा क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईएन है, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ट्रिस लिख दिया। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई अमीनो। आजकल इसका यही नाम यूज होता है, इथाइलिन डायमीन एनसीईआरटी में नहीं है, 1,2 डाई अमीनो इथेन और कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, C6H5 थ्राइस पी RHCl, क्लियर। तो इस क्लोरीन के लिए हमने लिखा क्लोरिडो, और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है तो हो जाएगा ट्रिस। मैं ज्वाइनिंग हैंड में नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं एक पार्ट, दूसरा पार्ट है ट्रिस, और इसके लिए लिखेंगे ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल इसलिए लिखेंगे, 3 बेंजीन रिंग है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। RH को हम रोडियम बोलते हैं, रोडियम फर्स्ट, और ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है, और ये हायर ग्रेड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रीजेंट केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा लेकिन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन एटसेट्रा बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe4, Fe CN6 और थ्राइस।
सबसे पहले क्या एट आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि ये ए प्रेजेंट। दूसरा डाउट, क्या इसके बाहर वाले में भी एट आएगा? नहीं, क्योंकि रूल सारे ब्रैकेट के अंदर ही अप्लाइड होते हैं। इसको सिंपल आयरन लिखा जाए, पर ये जो मेटल है ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, तो इसके ऑक्सीडेशन यहां लिखना जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आई, ये मैंने इससे लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर में समझाया था, तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। अब हेक्सासाइनो, हेक्सा इसके लिए और साइनो इसके लिए। आयरन में 8 आएगा और शायद आपको 8 समझ आ गया, और ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2। एग्जाम में वो हमको कह देगा प्रशियन या पर्शियन या प्रूशियन ब्लू का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, और अगर फॉर्मूला नहीं दिया तो दो चार बच्चे वैसे ही टपक जाएंगे, क्योंकि उनको प्रूशियन ब्लू का कलर ही याद नहीं। कलर तो याद होगा, ब्लू से पता लग गया, फॉर्मूला याद नहीं। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, जो सॉल्यूशन का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है ये। कॉपर फाइरोसाइनाइड का यूज हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाने में करते हैं, या कृत्रिम अर्ध पारगम में झिल्ली को बनाने में किया जाता है। यहां पर हम इसका नाम लिख देंगे कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर में 2, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 हेक्सासाइनो फेरेट 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, कि कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज क्या है। कॉपर फेरोसाइनाइड को हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Na2FeCN5 और NO। ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का फॉर्मूला है। अब यहां पर आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि इसमें NO प्लस ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, कौन सी दिखाएगा, प्लस। तो सबसे पहले हमने नेम लिखा सोडियम का, फिर ये साइनो है और ये नाइट्रोसोनियम, तो साइनो पहले आएगा, तो पेंटा पेंटा साइनो और फिर नाइट्रोसोनियम। आपको ये सारे नेम जॉइनिंग हैंड से लिखने हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं और कॉम्पिटिटिव में लिखे हुए आएंगे, आपको कुछ करना नहीं। फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो जाएगी कितनी, 2। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि एनओ की ऑक्सीडेशन नंबर इस एग्जांपल में प्लस होती है, तो अगर आपने इसको न्यूट्रल ले लिया तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी, जो एब्सोल्यूट इनकरेक्ट होगी। तो यहां आप डायरेक्ट याद रखना कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में एनओ प्लस होता है और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आती है। एक बार करके देख लो, बाद में याद रखना। और अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें दो ब्रैकेट होते हैं। तो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है PTNH3 4, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है PTCl4। इस ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट ए का काम करेगा, तो इसमें 8 नहीं आएगा, और जबकि इसमें 8 लग जाएगा, तो यहां पर 8 आएगा, क्योंकि पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के लिए 8 का काम करेगा। तो देखो भैया, टेट्रामाइन प्लैटिनियम
ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर टू आएगी। यहां पर हम जब इसका लिखेंगे तो नेम हो जाएगा क्लोरिडो, नहीं पहले आएगा टेट्रा और फिर होगा क्लोरिडो और फिर प्लैटिनेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर टू। यहां पर कभी कभी हमको चार्ज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो दो तरीके हैं करने के। जब भी प्लैटिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर चार दिखे तो प्लैटिनियम पे टू चार्ज होगा, और नहीं तो फिर ऐसे देखेंगे कि चार क्लोरीन पर माइनस चार चार्ज होगा और प्लैटिनियम प्लस टू होगा, तो यहाँ माइनस टू बचा। जब ये माइनस टू बचा तो इस ब्रैकेट पर प्लस टू आ गया। अब ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मीन्स ये पूरा का पूरा चार्ज प्लैटिनियम। अब हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले और लास्ट एग्जाम्पल है ब्रिज कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में मेटल ब्रिज बनाया था। एग्जाम्पल है हमारा ई एन टू टाइम्स, फिर हमारा कोबाल्ट मेटल है और कोबाल्ट मेटल से NH2 और ओ ने ब्रिज बना रखा है। कोबाल्ट मेटल ने NH2 और ओ से ब्रिज बना रखा है और फिर से EN कोबाल्ट और सल्फेट हो जाए। क्लियर? तो अब सबसे पहले ये दो बार है तो हम लिखेंगे बिस इथाइलीन डायमीन या फिर 1,2-diamino इथेन। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे इन ब्रिज का नाम और ब्रिज के लिए ये म्यू लगाया जाता है। ये एमीडो है और ये ऑक्सो है, तो एमीडो पहले आएगा, म्यू एमीडो और म्यू ऑक्सो। फिर से हम लिखेंगे बिस 1,2-diamino ethane। यहां पर हम एक चीज भूल गए और वो है कोबाल्ट 3 और फिर बिस 1,2-diamino ethane कोबाल्ट 3 सल्फेट। लेकिन अगर ये लिगेंड कॉमन हो तो हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो और दो चार हो गए तो हो गया टेट्रा किस 1,2-diamino ethane म्यू एमीडो म्यू ऑक्सो डाई कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3, पर ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, दोनों तरफ लिगेंड भी सेम हो और बाहर सल्फेट के लिए सल्फेट लिख दिया। यहां पर सल्फेटो नहीं आएगा, यहां पर सल्फेटो एग्जाम्पल नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी रूल अप्लाइड नहीं होता है। तो IUPAC अगर हम पढ़ रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रूल्स याद करने पड़ेंगे। रूल्स याद करने के बाद में हम उन रूल्स को अप्लाइड करेंगे। अगर हम उनको अप्लाइड नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई भी अच्छी घटना नहीं होगी। मैं जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारा ही गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के नाम से ऐप पर उपलब्ध है। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। आज की क्लास के लिए देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।